हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अश्विन रोहित ब्लॉग। आप सभी को जोहार। तो थंबनेल देख के आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि आज का ब्लॉग किस लिए है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन दही, वो भी कुकर में। तो कौन कौन ये चीज़ ट्राई कर चुका है या फिर खा चुका है कुकर में बना हुआ चिकन, और वो भी देसी चिकन नहीं है, नॉर्मल जो ब्रॉयलर चिकन आता है वो चिकन में बनाने वाली हूँ कुकर में। तो चलिए देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सारा अरेंजमेंट कर ली हूँ। मेरा प्याज कट गया है और यहाँ पे ये मुझे ग्राइंड करना है। प्याज, लहसुन, गरम मसाला, अदरक और मिर्चा। मिर्चा मैं थोड़ा ज़्यादा ली हूँ क्योंकि थोड़ा तीखा तीखा मुझे खाने का मन कर रहा है। और यहाँ मेरा कुकर भी चढ़ गया है और ये गरम हो रहा है अच्छे से। तो अब ये मेरा कुकर अच्छे से गरम हो गया है। तो एज यूजुअल इसमें हम लोग ऐड करेंगे सरसों का तेल। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है यहाँ पे, तो इसमें डालेंगे तेज पत्ता। तेज पत्ता ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा खड़ा जीरा। जीरा और तेज पत्ता हम लोग का अच्छे से गरम हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे हम लोग प्याज। आज का जो चिकन है ये पूरा मैं कुकर पर ही बनाने वाली हूँ। कुकर पर बहुत कम लोग बनाते हैं, लेकिन ये एक बार उन्होंने बनाया था तो बहुत मस्त बना था। ऐसा भी नहीं है कि कुकर में बनाने से चिकन का पीस टूट जाएगा या फिर पूरा, जैसे पता ना हड्डी अलग हो जाता है और मीट मीट अलग हो जाता, तो वैसा नहीं होगा। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ वैसे आप बनाइएगा और कुकर में ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें हम लोग ना अभी थोड़ा सा नमक, प्याज डला हुआ है उसी में ऐड कर देते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा प्याज जल्दी गल जाएगा। और एक काम करेंगे, अभी जब प्याज फ्राई हो रहा है उसी में हम लोग डाल देंगे ये कलेजी। अभी ऐसे आप लोग कलेजी को फ्राई करके खाइएगा, बहुत सारे लोग खाए होंगे क्योंकि हम लोग तो बचपन से ही खा रहे हैं। झारखंड वाले लोग तो ऐसे भी कलेजी खाते हैं, मतलब कि ऐसा प्याज के साथ तेल में फ्राई किया होगा, खा के देखिएगा बहुत मस्त लगता है। और अगर छोटे बच्चे हैं तो आप लोग खिला सकते हैं, ऐसा उनके लिए बहुत हेल्दी होगा। तो यहाँ पे हमने जो प्याज फ्राई हो रहा था उसके साथ में जो कलेजी डाले थे वो हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। और प्याज हमारा अच्छे से फ्राई होके ब्राउन हो गया, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे चिकन। चिकन किसका किसका फेवरेट है आप लोग कमेंट में बताइएगा। मेरा तो बहुत ज्यादा चिकन, मटन, नॉनवेज तो कुछ भी हो, मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। मिलाऊंगी कैसे? तो अभी हमारा चिकन भुन गया है, जैसे कि हल्का लाल हो गया है। तो अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, गरम मसाला का जो पेस्ट बनाया था ना उसको, तो ये मैं पेस्ट बना रही हूँ। तब इसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें साथ में ही हम लोग डाल देंगे हल्दी। नमक अभी नहीं डालना है, नमक हम लोग लास्ट में डालेंगे, जब पानी डालेंगे ना तब नमक डालेंगे। इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा गोलकी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। और गरम मसाला मैं जनरली खड़ा ही डालती हूँ, इसलिए पाउडर गरम मसाला नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेरा कुकर छोटा है इसलिए थोड़ा सा चलाने में मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तब इसको थोड़ा देर मसाला डाल के मसाला और चिकन को अच्छे से एक साथ में थोड़ा सा भुनाने देते हैं। फिर हम लोग बाद में ऐड करेंगे टमाटर। और यहाँ पे मैं दही भी ले आई हूँ, तो ये कब ऐड होगा वो आप लोग को बताएंगे कुछ देर के बाद।
सो फ्रेंड्स, तो अभी बारी आ गया है क्योंकि अभी मसाला पूरा तो नहीं भुनाया, आधा भुनाया है, तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे टमाटर। मैं टमाटर छोटा ही डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग दही ऐड करेंगे, दही खट्टा होता है, इसलिए टमाटर जब दही ऐड करके बनाएंगे तो टमाटर में हम लोगों को कम ही डालना है। तो मैं डायरेक्ट ही काट के इसमें डाल दे रही हूँ, थोड़ा शॉर्टकट अपना रही हूँ। सो गाइस, हमारा चिकन का मसाला भुना गया है, पूरा नहीं भुनाया है लेकिन बोल सकते हैं 80% अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। देखिए, तो अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे चिकन मसाला, और अब चिकन मसाला को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें नेक्स्ट काम जो करना है ये है दही, और इस दही को हम लोग डायरेक्ट नहीं डालेंगे, ऐसे में दही फटने का डर रहता है, तो इस दही को हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंडर में निकाल लेंगे। और फॉर श्योर कि अगर दही ठंडा हुआ तो आप पहले से निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको पहले से निकाल के बाहर रख ली थी कि ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर रहे, ठंडा नहीं रहे, क्योंकि ठंडा गर्म से क्या होगा, दही फट जाता है। तो इसको हम लोग ग्राइंडर में निकाल लेंगे और इसको ग्राइंड करके डालेंगे। तो यहाँ मैं निकाल ली हूँ दही कर्ड, अब इसको जल्दी से करते हैं ग्राइंड। तो हम लोग चिकन मसाला इसमें डाल चुके थे, अब इसमें डालेंगे हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी तो नहीं होती है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ नमक। पहले मैं प्याज के साथ बहुत कम ही डाली थी कि उससे प्याज गले, अब इसमें चिकन के लिए नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको पसंद है। नमक ऐड करने के बाद आता है बारी ये जो दही को मैं ग्राइंड कर ली थी अच्छे से, ये अभी भी बहुत ज्यादा थिक है, तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करके इस दही को भी हम इस कुकर में ऐड करेंगे। तो दही जब नॉर्मल टेम्परेचर में आप लोग डालेंगे ना तो ये फटेगा नहीं, और फॉर श्योर कि आप लोग इसको ग्राइंड कर लें। अब इसको हम लोग मिक्स कर देते हैं, और अब दही डालने के बाद ज़्यादा देर हम लोग को नहीं पकाना है, मुश्किल से 5 मिनट, और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें पानी। तो लगभग दही डाले हुए 5 मिनट हो गया है, ऑलमोस्ट ये चिकन अब पानी डालने के लिए रेडी है। तब इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी, और भी कुकर में बना रहे तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि इसको सीटी भी लगवाना है। यस, तो ऐसा नहीं कि कुकर में बना रहे तो मैं सीटी नहीं लगवाऊंगी, इसको सीटी भी लगवाएंगे हम। यहाँ पानी ऐड कर दिया, मैं आप लोगों को पास ला के दिखाती हूँ। यह देखिए, ज़्यादा पानी नहीं डाले हैं इसमें, जितना चिकन का लेवल है बस उतना ही पानी ऐड करे हैं। तो अब इसको हम लोग इसके ढक्कन से कवर कर देंगे और बस एक सीटी आने का वेट करना है, केवल एक सीटी, ज़्यादा सीटी भी नहीं लगाना है। तो अब मिलते हैं, इसका एक सीटी हो जाए, ये बन जाए, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं। सो गाइस, मेरा चिकन चढ़ गया है और एक सीटी आ भी गया था, तो मैं उसको बंद कर दी हूँ और यहाँ पर चढ़ा दी हूँ तवा, कि तवा गर्म हो जाएगा तो फिर बनाएंगे रोटी। और मेरे यहाँ पर आ गया है ये लड़का, इसका बैठने का स्टाइल देखिए, और बगल में मिक्सचर देखिए, बस खाने आता है, बस खाने। तो मैं सोची कि जब ये खाने आया है, खाने नहीं आया है, वो एडिटिंग का कुछ काम से आया हुआ है, तो कुछ एडिटिंग करना था उसको, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसलिए आया। तो मैं सोची कि अब खुद का बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट का तारीफ मैं खुद से कैसे करूँगी, एक्सपेरिमेंट नहीं, इससे पहले भी मैं एक बार बना चुकी हूँ तो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं उसको बोली कि रुक जाओ, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, आई थिंक कितना बज रहा है, 7:30 ही बज रहा है। तो मैं उसको बोली कि रुक जाओ, बस रोटी बनाना है, तो खा के चले जाना, और मेरे व्यूवर्स को, मीन्स कि आप लोगों को भी मैं नहीं बताऊंगी कि कैसा बना है, आज ये बताएगा कि कैसा बना हुआ है।
तो चलते हैं फिलहाल अब बनाते हैं रोटी। मेरा तवा भी गर्म हो गया है, आटा गूंथ चुका है, तो रोटी बनाते हैं जल्दी से, फटाफट खाने के साथ आप लोग से मिलते हैं। और ये लड़की अपने पापा से बात कर रही है काम करते करते, मैं दिखा रहा हूँ, रुको। वाह, क्या सीन है, लटपट हो जाता हूँ। हाँ, क्या सीन है, लटपट हो जाता हूँ। तो ये फटाफट रोटी बनाती है, फिर आप लोगों को चख के बताती है चिकन कैसा। मेरा काम था, मैं तो एडिटिंग कर ही रहा था, वो खाना बना रही है। पापी पेट का सवाल है, खाते हैं। तो गाइज यहाँ मेरा चिकन और रोटी रेडी हो गया है, पूरा कुकर का चिकन। और यहाँ है रोहित, ये बताएगा खा के कुछ देर में कि कैसा बना हुआ है। नॉर्मल कढ़ाई चिकन की तरह है या फिर उससे बहुत बेहतर, ऐसे बना बना के खिलाते रहो। सो गाइज रोहित से तो मैंने पूछवा दिया कि कैसा बना था, तो उसको तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कढ़ाई में जैसा बनता है उससे बहुत अलग टेस्ट आता है कुकर में बना हुआ। लेकिन अगर आप कुकर बनाएंगे तो दही ज़रूर ऐड करिएगा, उसका एक अलग सा टेस्ट आता है। और बहुत ज़्यादा भूख लगा था मुझे भी और उसे भी, तो इसीलिए हम लोग फटाफट पहले खाने में कॉन्सेंट्रेट करें। तो आई होप कि आप लोग भी ट्राई करेंगे, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही चीज़ आप लोग को दिखाती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा अपने घर में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये चिकन का रेसिपी। अगर और कुछ मेरा एक्सपेरिमेंट अगर मुझे खुद टेस्ट वाइज अच्छा लगेगा तो मैं ज़रूर आप लोग के सामने ऐसे ही ब्लॉग लाते रहूँगी। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।